अक्सर दुनिया जहां की हर चीज की खबर हमें होती है कि आज का लेटेस्ट क्या चल रहा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो चीजें बरसों से चल रही है उससे हम अनजान होते हैं। लोगों को यह तो पता होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे जो सिस्टम्स है वो कैसे चलते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर, हमारे खुद के शरीर के अंदर जो सिस्टम्स मौजूद हैं, जो ऑर्गन्स मौजूद हैं, वो कैसे चलते हैं उसकी भनक तक नहीं होती है। यहाँ पर मैं जय सिंह आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल फिजिक इंजीनियर में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं, तो उसी सिस्टम्स में से जो एक सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। यहाँ पर आज के हम इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या ऑर्गन्स होते हैं और यह कैसे कैसे काम करते हैं। यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ आ गया, फिर आपका स्टमक आ गया, आपका पैनक्रियाज आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लीवर आ गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। तो ये सारे ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि यह ऑर्गन कैसे कैसे काम करते हैं। सो मेक श्योर आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और वीडियो के लास्ट में मैं इस पूरे वीडियो का नोट्स भी आपको दूंगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मेक श्योर आप जिंदगी के 90 मिनट्स इस वीडियो को जरूर जरूर दें। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो काफी लंबा है, हमने इसको कई पार्ट्स में शूट किए हैं, तो मेरे लुक्स वीडियो में बदलते रहेंगे, सो उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। आपको ध्यान देना है सिर्फ इन्फॉर्मेशन पे वीडियो के कंटेंट में। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ पर होती है च्यूइंग, मतलब चबाना। जो आपके दांत है, कोई भी फूड आइटम आप कंज्यूम करते हैं, उनको चबा चबा के आप छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं। जैसे कि आपने क्रशर्स देखे होंगे, जो मैकेनिकल क्रशर्स होते हैं, वहां पर आप बड़ा सामान डाल दो, वो क्रशर उस सामान को तोड़ के बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। तो सेम यही काम हमारे दांतों के अंदर होता है, हमारे इस माउथ के अंदर होता है। दूसरी चीज यहाँ पर होती है सेलिवरी ग्लैंड, जो सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा क्या होता है? बेसिकली यह तो वाटर होता है, लेकिन इसमें कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराते हैं। ये जो सलाइवा होता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में लार बोलते हैं, मुंह की लार जो होती है उसको ही सलाइवा बोलते हैं। तो जो आपके दांत ने खाना चबाया है, यह उसके साथ मिक्स होते हैं, उसको यूनिफॉर्म करते हैं और उसको सॉफ्ट बनाते हैं, जिसके कारण वो आपके इस फूड पाइप में, इस ईसोफेगस में आराम से पास हो जाता है, जा सकता है। यहाँ पर जो ये सलाइवा होता है, जो मुंह की लार होती है, इसका एक मेन काम और भी होता है कि हमारे मुंह की जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल में रखता है, हमारे मुंह के जो पीएच रेंज होती है उसको मेंटेन रखता है। हमारे जो नॉर्मल मुंह की पीएच रेंज होती है वो होती है 6.2 से 7.4 पीएच। अगर मैं आपको बता दूं, पीएच एक लॉगरिथमिक स्केल होती है 0 से 14, जो किसी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेस के बारे में बताती है कि सब्सटेंस कितना एसिडिटी है या बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 14 है, 7 न्यूट्रल है, जैसे वाटर न्यूट्रल होता है, उसका पीएच रेंज 7 होता है। अगर 7 के ऊपर जाएंगे, 6, 5, 3, 2, 1, तो एसिडिटी बताती है कि ये ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 किसी का अगर पीएच है तो वो बहुत एसिडिक होता है। नीचे अगर जाएं, 7 के नीचे 8, 9, 10, तो बेस बताता है। तो हमारा जो ये सलाइवा है, हमारी जो ये लार है, हमारे माउथ के जो पीएच रेंज है, इस रेंज में मेंटेन रखने का भी काम करता है। अगर एसिडिटी माउथ की ज़्यादा हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कुछ आप ऐसा फूड आइटम कंज्यूम करते हो जिसकी एसिडिटी ज़्यादा है, तो हमारे माउथ में जो, हमारे मुँह के अंदर जो दांत प्रेजेंट है वो खराब होने लगते हैं, उनमें बहुत सारे डिग्रेडेशन आने लगते हैं, बैक्टीरिया का ज़्यादा जमावड़ा हो जाता है वहाँ पर, जिससे आपके माउथ की जो हाइजीन है वो खराब होती है। तो उसको भी कंट्रोल रखने के लिए सलाइवा बड़ी मदद करता है। यहाँ पर आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूँगा, शायद आप इस पर यकीन भी ना कर पाएं, कि एक जो हेल्दी एडल्ट होता है, जो स्वस्थ शरीर होता है, उसके अंदर 1500 ml सलाइवा, मुँह की लार 1500 ml प्रोड्यूस होती है हर दिन, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है। मुंह में पानी आना, जो कहावत आपने सुनी होगी ना, कुछ अच्छा चीज़ देखा तो मुंह में पानी आ गया, तो कभी कभार जो डाइजेशन होता है आपका आंखों से शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने कुछ लजीज चीज़ देखी आंखों से और आपके मुंह में पानी आ गया। तो वो जो पानी आना वो होता है एक डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप, क्योंकि जो लार होती है ये, इसमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और वाटर होता है, जो आपके फूड आइटम के साथ मिक्स होके उसको डाइजेस्ट करने में, उसको और ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में, उसको इस फूड पाइप से आसानी से पास कराने में हेल्प करते हैं।
जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा ये स्टमक होता है ये एक वाइटल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। यह एक मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है जो हमारे अपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। नियर अबाउट अगर हम इसके लेंथ की बात की जाए तो 12 इंच के आसपास अप्रॉक्स होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो यहाँ पर ये 6 इंच का होता है। जैसे कि मैंने बताया ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और हमने क्या पढ़ा है अपने कोर्सेज में कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। कौन कौन सी? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारी जो स्टमक है वो कौन सी मसल कैटेगरी में आती है। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट पे लिख के बताइए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो होता है जब स्टमक में आपका खाना पहुँच गया तो स्टमक की जो डाइजेशन प्रोसेस है कैसे हमारा स्टमक किसी फूड आइटम को या किसी प्रोटीन सोर्स को डाइजेस्ट करता है उसके लिए यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। पहला होता है केमिकल डाइजेशन और दूसरा होता है मैकेनिकल डाइजेशन। तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं केमिकल डाइजेशन की। ठीक है, किस तरह से आपका स्टमक केमिकल डाइजेशन करता है? तो यहाँ पर इस केमिकल डाइजेशन को प्रोसीड कराने के लिए आपका जो स्टमक है वह गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस क्या होता है भाई? तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता दूँ, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ये सिंपली एक लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, एक तरल पदार्थ होते हैं जो आपका स्टमक रिलीज करता है, आपके स्टमक के अंदर मिलता है। मेनली इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहली क्या? एसिड। दूसरी क्या? यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं। और तीसरी होता है मुकस। एक एक करके इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला आता है एसिड। यहाँ पर आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बोलते हैं यह आप फाउंड होता है। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर pH रेंज की बात किया जाए तो यहाँ पर इसका जो pH है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 3.5 के बीच में रहता है। pH अगर मैं आपको बता दूँ, pH एक लॉगरिथमिक स्केल होती है 0 से 14, जो किसी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेस के बारे में बताती है कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है या बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 14 है, 7 न्यूट्रल है, जैसे वाटर न्यूट्रल होता है उसका pH रेंज 7 होता है। अगर 7 के ऊपर जाएंगे 6, 5, 3, 2, 1 तो एसिडिटी बताती है कि ये ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 किसी का अगर pH है तो वो बहुत एसिडिक होता है। नीचे अगर जाएं 7 के नीचे 8, 9, 10 तो बेस बताता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टमक के अंदर एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका pH जैसे कि मैंने आपको बताया 1.5 से 3.5 के बीच में रहता है। जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी प्रोटीन आप कंज्यूम करते हैं, ये उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, दूसरा आता है एंजाइम्स। यहाँ पर जो हमारा गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन मिलता है। पेप्सिन हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो हमारा स्टमक है उसका मेन एंजाइम होता है। ये क्या करता है? आपके फूड को ब्रेक डाउन करता है, आपका जो प्रोटीन आपने खाया उसको ब्रेक डाउन करता है। वहीं बात की जाए दूसरा एंजाइम के बारे में तो प्रोटीज मिलता है। यहाँ पर जो ये प्रोटीज होता है ये आपका स्टमक भी रिलीज करता है, आपका पैनक्रियाज भी रिलीज करता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी रिलीज करता है। प्रोटीज क्या होता है? प्रोटीज एक मेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन से यहाँ पर कहने का सिंपल से मतलब, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्रोटीन होता है यह एमिनो एसिड की चेन होती है, एक लंबी चेन होती है। ठीक है, इसको पॉलीपेप्टाइड्स भी बोलते हैं प्रोटीन को। तो इस लंबी चेन को, इस लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड को तोड़ने का काम को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब लंबी चेन को शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो शॉर्ट चेन अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है यह प्रोटीज एंजाइम। और एंजाइम की बात करें तो यहाँ पर लिपेस एंजाइम होता है। लिपेस मेनली फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। ठीक है, ये थे कुछ एंजाइम जो आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होती है, वह है मुकस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुसिन प्रेजेंट होता है। इसके मेनली 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला काम होता है लुब्रिकेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटेक्टिव लेयरिंग फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल लुब्रिकेशन की बात की जाए तो जो मुकस होता है यह आपके फूड आइटम जो स्टमक के अंदर है उसके मूवमेंट को फैसिलेट करता है। जो आपके अंदर स्टमक के अंदर फूड आइटम पहुंच चुके हैं वो स्टमक के अंदर मूव हो सके, ताकि वो अच्छे से पच सके, उसके मूवमेंट को अच्छे से कराने के लिए यहाँ पर यह मुकस हेल्प करता है। वहीं दूसरी चीज़ बात की मैंने फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयरिंग। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस में मेनली होता है HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस एसिड के कारण आपके स्टमक के जो अंदर का सरफेस है वो जल ना जाए, वो खराब ना हो जाए। मेनली स्टमक के अंदर के सरफेस में होती है लाइनिंग ऑफ epithelial सेल्स। तो ये लाइनिंग खराब ना हो जाए, जल ना जाए, उसको बचाने के लिए ये जो मुकस होता है इसके लाइनिंग के ऊपर, इंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक के ऊपर फॉर्म करता है एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे
जो एसिड के खतरे से आपका स्टमक है वो बचा रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं जिसके कारण अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर स्टमक के अंदर तो बाइल भी होता है, वो कहाँ से आया, वो क्या काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्टमक होता है वो बाइल को नहीं प्रोड्यूस करता, हमारा जो लीवर होता है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है, और हमारा लीवर इस बाइल को प्रोड्यूस करने के बाद आपके गॉल ब्लैडर में बाइल को भेज देता है स्टोर रहने के लिए। अब होता क्या है, जैसे ही आप फूड आइटम कंज्यूम करते हैं कुछ आपके स्टमक में पहुंचता है, और ऐसा फूड आइटम जिसके अंदर फैट ज़्यादा है, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उस फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल होता है। बाइल आपके फैट को इजीली ब्रेक डाउन कर सकता है। मेनली क्या होता है, जो भी फूड आइटम आप कंज्यूम करते हैं उसके अंदर तीन ही मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना तो आसान है, फिर उससे मुश्किल है प्रोटीन को तोड़ना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड काम होता है इस फैट को तोड़ना। तो इस फैट को स्पेशली तोड़ने के लिए हमारा जो गॉल ब्लैडर जिसके अंदर बाइल स्टोर है, जो बाइल कहाँ से आया, लीवर ने भेजा उसको, या बाइल गॉल ब्लैडर समय समय पे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग डियोडेनम में भेजता है, जिससे फूड में मौजूद फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद मिलती है। वैसे तो गैस्ट्रिक जूस में लिपेस एंजाइम होता है जो फैट को ब्रेक डाउन कर सकता है, तोड़ सकता है, उसे पचने लायक बना सकता है, लेकिन जब गैस्ट्रिक जूस से फूड में मौजूद फैट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता तो हमारा स्टमक इस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग जिसको डियोडेनम भी बोलते हैं, वहां पर जब फूड मिक्सचर जिसमें फैट मौजूद होता है वह आते हैं, तो इन फैट्स को तोड़ने के लिए गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ के अपने अंदर मौजूद बाइल को इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग डियोडेनम में भेजता है। यह बाइल फूड में मौजूद फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, उसे पचने लायक बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया किस तरह हमारे स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन होता है। अब आता है बात मैकेनिकल डाइजेशन, हमारे स्टमक के अंदर किस तरह से मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टमक है उसके अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, जिसके कारण आपका जो खाया हुआ फूड है, जो प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट होने में आपको मदद मिलती है। यहाँ पर इस पेरिस्टाल्सिस को समझने के लिए आपको एक चीज़ मुझे समझानी पड़ेगी, वह यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो खाना खाया है वह नीचे कैसे जाता है, आपके स्टमक में कैसे उतरता है, वो मुझे बताइए। आप सोच रहे होंगे कि ग्रेविटी की मदद से उतरता है, भाई आपने खाना खाया ग्रेविटी की मदद से नीचे आ गया। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे बात पूछूं कि आपने फॉर एग्जांपल आपने मस्त चिकन खाया खूब सारा, और चिकन खा के पेड़ में चढ़ गए और उल्टा लटक गए, और यहाँ पर जो लोग वेजिटेरियन हैं प्लीज़ बुरा मत मानिए, आप चिकन की जगह आप पनीर खा लीजिए, पनीर खा के पेड़ में चढ़ जाइए और उल्टा लटक जाइए, क्या होगा। आपने चीज़ नोटिस की होगी, देखा होगा कि अगर आप खाना खा के भी उल्टा लटक जाएंगे तो आपका जो खाया पिया है वह वापस आपके मुँह से बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं आता, तो इसका सिंपल से आंसर होता है या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण। क्या, इसको कुछ लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इसके फंडामेंटल को समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है इसमें क्या होता है, ये एक वेव लाइक मूवमेंट होता है आपके फूड आइटम का आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब होता क्या है, समझ लीजिए जैसे ये एक फूड आइटम है, ये आपके फूड पाइप के अंदर गया, तो यह ग्रेविटी की मदद से उतना नहीं नीचे जाता जितना मदद से जाता है किसके, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कारण। अब यह होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फूड आइटम खाया, ठीक है, यह आपके फूड पाइप में पहुंचा, जब फूड पाइप में पहुंचता है ये फूड आइटम तो आपकी जो फूड पाइप होती है इसको नीचे भेजने के लिए क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। यहाँ पर ऐसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो आपके फूड पाइप के अंदर फूड है वो नीचे आया, ठीक है, फिर और ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो नीचे आता गया। तो इस तरह से आपका जो फूड है वो हमारे बॉडी के अंदर मूव करता है, और ये जो फिनोमेना है इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे स्टमक के अंदर भी इसी तरह से मूवमेंट होता है, जो आपके स्टमक के अंदर फूड पड़ा है, जो आपके अंदर स्टमक के अंदर प्रोटीन पड़ा है, जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह गया, नहीं टूट पा रहा है, तो हमारे जो स्टमक होती है कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म करती है, उसको हिलाती डुलाती है, मसल हमारा, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा स्टमक है वो भी एक मसल है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, हिलाती डुलाती है अंदर के फूड आइटम को, जो प्रोटीन अंदर है उसको हिलाती डुलाती है, जिससे अच्छा मिक्सचर होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा एक चीज़ के जब आपका पेट खराब होता है, आपने कुछ ज़्यादा खाना खा लिया है ना, और आपका पेट खराब हो गया तो आपको पेट के अंदर से एकदम गुड़गुड़ गुड़गुड़ साउंड आता है ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ साउंड आ रहा है, थोड़ा सा ये महसूस होता है कि आपका पेट ऐंठन हो रही है, थोड़ी सी क्रैम्प आ रहे हैं, है ना। आप वहाँ पर होता क्या है, जो आपके स्टमक है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म करता है, जिसके कारण जो आपका ये पार्शली डाइजेस्टेड है, मतलब
जो प्रोटीन है वो जो अच्छी तरह से नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, नहीं टूट पा रहा है, उसको तोड़ने के लिए हमारा स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्टमक इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम पेरिस्टेलिस मूवमेंट बोलते हैं, इसके मदद से आपके स्टमक के अंदर मौजूद फूड आइटम को, प्रोटीन आइटम को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है आपकी, और बनाता है एक यूनिफॉर्म मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं काइम। और ये क्या करता है, फर्दर डाइजेस्ट होने के लिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिटेल में समझ लिया कि किस तरह से प्रोटीन आपके स्टमक में डाइजेस्ट होता है। यहाँ पर आपने दो चीज़ें सीखी, केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन, किस तरह से प्रोसीड होता है, किस तरह से अकर होता है हमारे स्टमक के अंदर। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं या स्मॉल बॉवेल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो यह छोटी आंत होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद खास ऑर्गन होता है। यह एक हॉलो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो नियर अबाउट एक हेल्दी एडल्ट में 5.5 मीटर तक या छोटी आंत लंबी हो सकती है, और लगभग 18 फीट के आसपास होती है। अगर आपकी हाइट कम है, छोटी है, तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वह भी छोटी होती है। अगर आपकी हाइट लंबी है, आप ज़्यादा टॉल हैं, तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वह भी लंबी हो जाती है। यह मैंने आपको जनरल बताया कि 5.5 मीटर तक होती है। वहीं अगर इसके हम डायमीटर की बात की जाए, इसकी चौड़ाई की बात की जाए, तो यह जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये एक एडल्ट में, एक वयस्क शरीर में 2.5 to 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है, इसके डायमीटर, ठीक है। यह वेरी करता है पर्सन टू पर्सन भी, लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको यह बताया। यहाँ पर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी फूड आप कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, तो हमारे फूड में मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका लगभग अप्रॉक्सीमेटली 90% तक अब्सॉर्प्शन हमारी यह स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। अगर आपका खाना पहुंच गया आपके शरीर के अंदर, तो इसके अंदर मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो आपके शरीर के अंदर तक लगने के लिए, आपके ब्लड स्ट्रीम तक जाने के लिए जो रास्ता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर ही गुजरता है। 90% तक अब्सॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही करती है खाली, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी जो यह स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह हमारे स्टमक और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट रहती है। यह इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में रहती है ताकि यह हमारे एब्डोमेन के अंदर अच्छे से फिट हो सके। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वैसे तो हमारी जो यह स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो कम होता है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या रोल होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या काम करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन रखी गई है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो भी आप खाना खाते हैं, जो फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, वो आपके स्टमक के अंदर पहुंचा, वहां पर गैस्ट्रिक जूसेस ने उसको और ब्रेक डाउन किया, पचने लायक बनाया और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाया जिसको काइम बोलते हैं। जब ये काइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो यहां पर जो काइम है इसके अंदर मौजूद जो भी फूड आइटम है, जो न्यूट्रिएंट है, उनको और ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर अब्सॉर्ब हो सके, हमारा गॉल ब्लैडर यहाँ पर बाइल रिलीज करता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करता है, ताकि जो काइम है उसके अंदर जो फूड आइटम है वह अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके, डाइजेस्ट हो सके और जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब हो सके। अगर हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझें, तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डियोडेनम, दूसरा होता है ड्यूओडेनम और तीसरा होता है इलियम। यहाँ पर जो ये ड्यूओडेनम है, ये एक सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, ये एक शी शेप का होता है। अगर इसके हम लंबाई की बात करें तो बस ये 8 से 10 इंच का होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी फूड आइटम आपके स्टमक से आया, जो काइम आपके स्टमक से आया, इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए ये ड्यूओडेनम होता है। यहाँ पर यह आपका जो काइम है उसको तैयार करता है जियोजेनम में जाने के लिए, ताकि अब्सॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से हो सके दूसरे पार्ट जियोजेनम में, ठीक है। वहीं जियोजेनम जो होता है यह एक स्पेशलाइज्ड होता है किसमें, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। जो काइम आया आपके स्टमक से, डियोडेनम ने उसको और ब्रेक डाउन किया, तो उसके बाद जब जियोजेनम में आपका ये काइम पहुंचता है, तो उसके अंदर मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है यह जियोजेनम। यहाँ पर अगर हम इस जियोजेनम की लंबाई की बात करें, तो यह लगभग 2.5 मीटर तक लंबा होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट जो कि है इलियम, यह लगभग
3 meter तक लंबा हो सकता है। मेनली ये जो इलियम होता है यहाँ पर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे बॉडी के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे DNA सिंथेसिस में काम आता है, हमारे एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में काम आता है। वहीं यहाँ पर जो इलियम होता है यहाँ पर जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो भी न्यूट्रिएंट बच गए हैं हमारे जियोजेनम में अब्सॉर्ब होने से उनका अब्सॉर्प्शन इस इलियम पार्ट में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होती है उसका सबसे बेसिक स्टेप यह होता है कि जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद है, फॉर एग्जांपल जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इनको अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में टूटना पड़ता है, फिर ही जाके ये एब्जॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीन होता है जिसको पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, यह डिग्रेड होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल पेप्टाइड्स में, फिर या सिंगल एमिनो एसिड में, फिर जाके ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, अवशोषित होते हैं। वहीं बात की जाए लिपिड्स की, जिनको हम फैट्स बोलते हैं, इनको ब्रेक डाउन होना पड़ता है, डिग्रेड होना पड़ता है फैटी एसिड्स में, ग्लाइसरॉल्स में, तब जाके ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। वहीं बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इनको अब डिग्रेड होना पड़ता है अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे, क्या, सिंपल शुगर, जिसको हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज होता है इनको उसमें ब्रेक डाउन होना पड़ता है, फिर ही जाकर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे रक्त प्रवाह के अंदर। ठीक है, जब स्टमक से आपका खाया हुआ खाना गैस्ट्रिक जूसेस के कारण ब्रेक डाउन होके एक यूनिफॉर्म मिक्सचर काइम में बदल के, जब यह काइम स्टमक को छोड़ के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम जो पहला हिस्सा वहां पर आता है, तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस आता है जिसके अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम है, वह इस काइम के अंदर मौजूद जो प्रोटीन है, जो भी अलग न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो जब पैनक्रियाटिक जूस आया जिसके अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, वह इस प्रोटीन के अंदर मौजूद जो एमिनो एसिड्स हैं उनको तोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन मैंने आपको बताया, यह एक पॉलीपेप्टाइड्स होता है, कहने का मतलब ये एमिनो एसिड की एक लंबी चेन होती है। ठीक है, तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, इसको तोड़ देते हैं, इस लॉन्ग चेन एमिनो एसिड को शॉर्ट चेन एमिनो एसिड में बदल देते हैं, और इतने शॉर्ट कर देते हैं कि ये ट्राइपेप्टाइड्स में आ जाता है, डाइपेप्टाइड्स में आ जाता है, सिंगल एमिनो एसिड तक में ये टूट जाता है। ठीक है, आपको मिल गया क्या, ये ट्राई पॉलीपेप्टाइड मिल गया, डाई पॉलीपेप्टाइड मिल गया और सिंगल एमिनो एसिड तक मिल गया। तो यहाँ पर हमारे अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं, उसके सरफेस में मौजूद होते हैं एंथ्रोसाइट सेल्स। तो ये एंथ्रोसाइट सेल्स क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर सिंगल स्मॉल यूनिट में आया, क्या, इंडिविजुअल एमिनो एसिड सिंगल एमिनो एसिड तक में आया, ये अब्सॉर्ब होते हैं इस एंथ्रोसाइट्स सेल के अंदर। यहाँ पर अगर मैं आपको इन एंथ्रोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँ, तो ये जो एंथ्रोसाइट सेल्स होते हैं ये मेनली इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सेल होते हैं, कहने का मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटीरियर सरफेस होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है, उसके जो अंदर वाली लेयर है वहाँ पर ये कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे टूट गया है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेना, उनको एब्जॉर्ब कर लेना, उनको अपने अंदर समा लेने का काम होता है। और अगर यहाँ पर जैसे जो प्रोटीन के ट्राइपेप्टाइड्स आए या डाइपेप्टाइड्स आए, तो ये सेल्स जो एंथ्रोसाइट सेल्स है ये उनको भी तोड़ के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, कहने का मतलब सिंगल एमिनो एसिड में बदल देते हैं और उसको अपने अंदर समा लेते हैं, और अपने अंदर समाने के बाद या उसको मिला देते हैं किसके साथ, हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ, हमारा जो रक्त संचार है उसके साथ मिला देते हैं, रक्त प्रवाह के साथ मिला देते हैं। अगर हम इस एंथ्रोसाइट सेल को और डिटेल में बात करें, तो यहाँ पर लाइनेज ऑफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में काम आते हैं। यहाँ पर अगर रोल की बात की जाए इस एंथ्रोसाइट सेल की, तो जो भी अपटेक्स होते हैं वह यहीं के थ्रू होके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयन अपटेक हो गया, आयन क्या होते हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, इन आयन को बॉडी तक पहुंचाने का काम यहीं के थ्रू होता है। अगर जो कार्बोहाइड्रेट होके ब्रेक डाउन होके हमारे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में बदला, जिसको ब्लड शुगर बोलते हैं, तो वो शुगर का भी अपटेक करने में ये काम आते हैं। जो हमारे प्रोटीन है वो जब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट गया, सिंगल अमीनो एसिड में टूट गया, उसको भी अपटेक अंदर ले जाने, ब्लड तक ले जाने काम करते हैं, विटामिन को अपटेक करने काम करते हैं, या हमारे लिपिड्स का अपटेक करने का काम करते हैं। तो ये
बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हमारे ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। और यहाँ पर साथ ही साथ हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदरूनी हिस्से में इंटीरियर सरफेस में जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग मौजूद होती है, तो इन एपिथेलियल सेल्स के बीच में कई सारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि क्रिप्स ऑफ लेबरकुन हो गया, ब्रूनर्स ग्लैंड हो गया, ये एक तरह के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिससे फूड हो गया, जो फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हो गए जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर ये एमाइनो पेप्टाइडेस एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि प्रोटीन में मौजूद लॉन्ग चेन अमीनो एसिड को तोड़ के शॉर्ट चेन अमीनो एसिड में बदल देते हैं। वहीं बात की जाए और तो यहां पर सुक्रेस एंजाइम रिलीज करते हैं या ग्लैंड्स जो आपके सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर ये लोग लैक्टेज एंजाइम रिलीज करते हैं जो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और बात की जाए तो यहाँ पर ये मेल्टेस एंजाइम रिलीज करते हैं जो मेल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पर आपको और बता दूं कि ये जो एंथ्रोसाइट सेल्स है ये एंडोक्राइन रोल भी परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे एंथ्रोसाइट सेल्स होते हैं ये लेप्टिन हार्मोन रिलीज करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब होता क्या है, जब आपके ब्लड स्ट्रीम में लेप्टिन हार्मोन ज्यादा होता है तो ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि देखो अभी पेट भर गया है, खाना मैं अच्छे से खा चुका हूं, बहुत फुल हो चुका हूं, एनर्जी बॉडी में ज्यादा है, ठीक है। तो ये सिग्नल जब आपके ब्रेन को जाता है तो आप खाना खाना बंद कर देते हैं, आप ज्यादा खाना नहीं खाते। एक तरह का जो ये लेप्टिन हार्मोन है ये एक सेटाइटी हार्मोन भी बोलते हैं। सेटाइटी कहने का मतलब तृप्त होना, संतुष्ट होना, ठीक है। तो जब आपके ब्लड स्ट्रीम में हाई लेवल ऑफ लेप्टिन होगा वो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में हाई एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है। अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में लेप्टिन का जो लेवल है वो कम होता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कम एनर्जी है। और यहाँ पर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदरूनी हिस्से में जो एपिथेलियल सेल की लाइनिंग मौजूद है उसके ऊपर मौजूद होते हैं माइक्रोविली, जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो माइक्रोविली होते हैं ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सतह पर मौजूद होते हैं। इन माइक्रोविली के अंदर मौजूद होते हैं ब्लड कैपिलरीज। अब होता क्या है, जो न्यूट्रिएंट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में है यह उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजने का काम करते हैं, क्योंकि माइक्रोविली के अंदर मौजूद है ब्लड कैपिलरीज। तो जैसे ही ये न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये डायरेक्टली उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। अब होता क्या है, डाइजेशन के दौरान जो फूड आइटम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटा, फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई उसकी, सिंगल एमिनो एसिड। वहीं कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज। जब कोई फूड आइटम कोई न्यूट्रिएंट अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट जाता है तो उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलाने का काम करती है माइक्रोविली, क्योंकि माइक्रोविली के अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो जैसे ही ये न्यूट्रिएंट इस माइक्रोविली के कांटेक्ट में आता है, सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ये माइक्रोविली उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है और उसको ब्लड स्ट्रीम से मिला देती है। हमारी छोटी आंत के अंदरूनी हिस्से के शीर्ष सतह पर मौजूद माइक्रोविली का इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो भी न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रेवल कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, वह इस माइक्रोविली के उभरे हुए स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस माइक्रोविली के अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, तो जो भी न्यूट्रिएंट इस माइक्रोविली में अब्सॉर्ब हुए हैं, अवशोषित हुए हैं, वह हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, हमारे रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो भी फूड आइटम आप कंज्यूम करते हैं, जो प्रोटीन आप खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, जो फैट आप कंज्यूम करते हैं, वो अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटता है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूटता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और फिर इन माइक्रोविली के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और भेज दिया जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और जब यह ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारे रक्त प्रवाह के अंदर ये न्यूट्रिएंट पहुंच गए तो जहां जहां जरूरत होती है इन न्यूट्रिएंट की, हमारा शरीर इनको वहां वहां भेज देता है। और यहां पर जो भी फूड आइटम जिसको हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं पचा पाया, नहीं डाइजेस्ट कर पाया, नहीं ब्रेक डाउन कर पाया, उन सबको उठा के हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। पैनक्रियास, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा सिस्टम जो आपको जो आपने खाना खाया है उसको पचाने में हेल्प करता है, मदद करता है। वहीं यहाँ पर जो हमारा पैनक्रियास होता है साथ ही साथ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का भी ऑर्गन माना जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है भाई, तो यहाँ पर सिंपली एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए, अच्छे से फंक्शन करने के लिए चाहिए। यह हार्मोन हमारे अंदर ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, तो बहुत सारे फंक्शन यह हार्मोन करते हैं। तो यहाँ पर जो ये पैनक्रियास होता है मेनली हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। अगर यहाँ पर मैं आपको
तीन मेन फंक्शन बताऊं हमारे पैनक्रियास का, तो पहला होता है हार्मोन रिलीज। और एक बेहद खास चीज मैं आपको पैनक्रियास के बारे में बता दूं कि ये जो पैनक्रियास होता है इसके अंदर बहुत सारे आइलेट सेल्स मौजूद होते हैं। आइलेट सेल्स को मेनली हम पैनक्रियाटिक सेल्स भी बोल देते हैं या फिर इसको आइलेट ऑफ लैंगरहान भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे लैंगरहान जिन्होंने इन सेल्स की खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर इसको आइलेट ऑफ लैंगरहान बोलते हैं। एक हेल्दी एडल्ट की बात की जाए तो उनके पैनक्रियास के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा ये आइलेट सेल्स मौजूद होते हैं। अगर हम आइलेट सेल्स के फंक्शन के बारे में बात की जाए, काम की बात की जाए, तो ये हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं और इसको डायरेक्टली प्रोड्यूस करने के बाद आपके ब्लड फ्लो के अंदर मिला देते हैं। यहाँ पर बेसिकली 5 तरह के डिफरेंट सेल्स होते हैं जिनकी मदद से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि अल्फा सेल हो गया, बीटा सेल हो गया, पीपी सेल हो गया जिसको गामा सेल भी बोलते हैं या एफ सेल भी बोलते हैं, चौथा यहाँ पर डेल्टा सेल होता है और पांचवा यहाँ पर एप्सिलॉन सेल होता है। तो यह 5 सेल्स की मदद से बहुत सारे हार्मोन आपका पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है और डायरेक्टली उसको ब्लड फ्लो के अंदर मिला देता है। यहाँ पर जितने भी टोटल पैनक्रियाटिक आइलेट सेल्स मौजूद होते हैं उनमें इन सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर 15-20% तक अल्फा सेल्स मौजूद होते हैं, 50-70% तक आपके बीटा सेल्स मौजूद होते हैं, 4-5% तक आपके पीपी सेल्स मौजूद होते हैं, 5-10% तक आपके डेल्टा सेल्स मौजूद होते हैं और 1-2% तक आपके एप्सिलॉन सेल्स मौजूद होते हैं। ये जो अल्फा सेल होता है ये आपके बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यह एक तरह का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। यह जस्ट अपोजिट काम करता है आपके इंसुलिन के। कहने का मतलब जब आपके ब्लड स्ट्रीम में ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है तो यह आपके बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस इंड्यूस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कहने का सिंपल से मतलब जो प्रोटीन होता है यह उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में बदल देता है और इसको भेज देता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, जहां पर आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है और आपको एनर्जी मिलती है। यहां पर जो हमारा पैनक्रियास का बीटा सेल्स होता है यह मेनली 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पहला होता है इंसुलिन और दूसरा होता है एमाइलिन। इंसुलिन के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं वह अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटता है, जैसे कि ग्लूकोज में टूटा। जब यह ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है तो यह इंसुलिन इस ग्लूकोज को उठा के जिन जिन सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत है वहां वहां तक इसको भेजता है, और जब सेल्स की जरूरत पूरी हो जाती है, नीड पूरी हो जाती है, तो यह उसको स्टोर भी करा सकता है, चाहे तो इस ग्लाइकोजन के फॉर्म में या उसको स्टोर करा सकता है बॉडी फैट के फॉर्म में। वहीं दूसरी तरफ जो यह एमाइलिन होता है यह एक तरह का रेसिडू पेप्टाइड हार्मोन होता है, यह मेनली इंसुलिन के साथ ही प्रोड्यूस होता है। अगर हम रेशियो की बात की जाए तो 100:1 का रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल बीटा सेल अगर 100 इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 आपका एमाइलिन प्रोड्यूस करता है। यह जो एमाइलिन होता है यह आपके ग्लाइसेमिक रेगुलेशन में काम आता है, कहने का मतलब आपकी जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है उसको स्लो डाउन कर देता है, जिससे आपकी जो भूख है वो शांत होती है, आपकी सेटाइटी इंक्रीज होती है। वहीं आपके पैनक्रियाटिक आइलेट सेल के अंदर जो पीपी सेल्स होते हैं जिनको गामा सेल भी बोलते हैं या एफ सेल भी बोलते हैं, यह मेनली आपके पैनक्रियास के अंदर पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका काम होता है सेटाइटी को इंक्रीज करना, आपके फूड इनटेक को रेगुलेट करना, आपका जो गॉल ब्लैडर है उसके कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करना, ठीक है। और यहाँ पर जो ये डेल्टा सेल्स होते हैं ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इस सोमेटोस्टेटिन को ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH भी बोलते हैं। ये एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है। यह सोमेटोस्टेटिन आपके इंसुलिन, आपके ग्लूकागॉन के प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है, रेगुलेट करता है। यह जो सोमेटोस्टेटिन होता है यह आपके स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके प्रोडक्शन को भी इनडायरेक्टली कम करता है। अब होता क्या है कि ये जो अदर हार्मोन होते हैं जो आपके गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया, ये उसके रिलीज को कम कर देते हैं, जिससे आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। वहीं लास्ट जो आपके पैनक्रियाटिक आइलेट सेल्स के अंदर एप्सिलॉन सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रेलिन हार्मोन। ग्रेलिन हार्मोन एक तरह का हंगर हार्मोन होता है, यह आपके अंदर भूख के एहसास को बढ़ाता है। दूसरी चीज, यहां पर हमारा पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। इस पैनक्रियाटिक जूस में मेनली होते हैं बाइकार्बोनेट्स। इनका काम क्या होता है, यह जो आपका एसिड आ रहा है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट में उसको न्यूट्रलाइज करने का काम आता है। मेनली क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, वो आपके खाए हुए फूड को तोड़ने का काम करते हैं, तो आपका जो फूड होता है वो एसिडिक हो जाता है, तो वो एसिडिक फूड जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको एक न्यूट्रल पोजीशन में पहुंचाने के लिए, जैसे हमने पीएच स्केल देखी ना कि 7 न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर जाएंगे 8, 9, 10 तो वो बेस होता है और 7 के नीचे 6, 5, 4, 3 ये एसिड होता है। तो जब फूड आता है, जो फूड मिक्सचर जिसको काइम बोलते हैं, वो जब आपके स्टमक से निकलकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडेनम में पहुंचता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है या
पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं। बाइकार्बोनेट एक तरह से बेसिक नेचर के होते हैं जो आपके एसिड को साथ मिलके उसको न्यूट्रल की तरफ लेके जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारा पेनक्रियास करता है वह है रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम। अब होता क्या है, जो हमारा पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है उस जूस के अंदर बहुत सारे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, आपके फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, उनको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि डाइजेशन में आसानी हो। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, लिपेस हो गया, एमाइलेस हो गया, प्रोटीज हो गया, कार्बोएक्सेप्ट पेप्टाइडेस हो गया, तो इतने सारे एंजाइम हमारा पेनक्रियास रिलीज करता है। इसलिए हम पेनक्रियास को एंजाइम पावर हाउस ऑफ डाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, अगर एक एक करके बात करें इनके बारे में, तो जो पहला आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये मदद करता है, एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम्स को और उनके साथ मिलके जो प्रोटीन होता है उसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम मैंने आपको बताया जो प्रोटीन होता है इसको पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, ये बहुत सारे एमिनो एसिड की चेन होता है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे एमिनो एसिड की चेन है इसको शॉर्ट चेन में बदलना, जो लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड है प्रोटीन की उनको शॉर्ट चेन ऑफ एमिनो एसिड में बदलने का काम ये ट्रिप्सिन करता है। यहाँ पर जो ट्राइपेप्टाइड्स हैं, डाइपेप्टाइड्स हैं, उनको इंडिविजुअल एमिनो एसिड, सिंगल एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है यह ट्रिप्सिन, ठीक है। वहीं जो ये काइमोट्रिप्सिन होता है यह भी प्रोटीन ब्रेकडाउन में मदद करता है। मेनली यह जो प्रोटीन में मौजूद लॉन्ग चेन एमिनो एसिड होती है उनको शॉर्ट चेन एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। वहीं बात की जाए लिपेस की, तो लिपेस यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स जिनको हम फैट्स बोलते हैं उनको डाइजेस्ट करने में, उनको ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है। मेनली यह फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है। वहीं बात कर जाए एमाइलेज की, तो एमाइलेज क्या करता है, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। मेनली यह जो डाइसैकेराइड्स होती हैं, ग्लूकोज होते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टार्च है यह उसको मेल्टोज में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह से डाइजेशन होता है। और बात की जाए जो प्रोटीज एंजाइम होता है, प्रोटीज एंजाइम मेन एंजाइम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। प्रोटीन के अंदर मौजूद जो लॉन्ग चेन अमीनो एसिड है उनको शॉर्ट चेन अमीनो एसिड में बदल देता है, फिर उनको सिंगल अमीनो एसिड में बदल देता है जिसको अच्छे से अब्सॉर्ब हो सकता है प्रोटीन। वहीं जो ये कार्बोएक्सोपेप्टाइडेस है यह भी एक तरह का प्रोटीज एंजाइम ही होता है जो हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में काम आता है। वैसे तो ये कार्बोएक्सोपेप्टाइडेस हमारे वाउंड हीलिंग में भी काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी काम आता है। अगर हम बात करें पेनक्रियास के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर मेनली चार चीज़ें होती हैं जिसमें से पहली होती है पेनक्रियाटिक डक्ट, दूसरा होता है हेड ऑफ पेनक्रियास, तीसरा होता है बॉडी ऑफ पेनक्रियास और चौथा होता है टेल ऑफ पेनक्रियास, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसके जो लेंथ है नियर अबाउट 12 से 15 सेंटीमीटर का यह पेनक्रियास होता है। यहाँ पर अभी आपने जान लिया कि यह पेनक्रियास क्या होता है या क्यों हमारे बॉडी के अंदर होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लीवर हमारे शरीर में 500 से भी ज्यादा तरह के फंक्शंस कर सकता है। हमारा लीवर जितने भी तरह के आप केमिकल्स आपके बॉडी में जाते हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम करता है हमारा लीवर। हमारे ब्लड में जितने भी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको हटाने, उनको फिल्टर करने, उनको क्लीन करने का काम करता है हमारा लीवर। यहाँ तक कि इंसानी शरीर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, बाइल प्रोडक्शन हो गया, हार्मोन प्रोडक्शन हो गया, तो इन सब तरह के काम कर सकता है हमारा लीवर। यहाँ पर हमारे लीवर को समझना और समझ के इसको ठीक रखना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी हो जाती है। सो मेक श्योर आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में पूरे लास्ट तक ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। जब बात आती है हमारे शरीर के मोस्ट हार्ड वर्क की, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, जो 24/7 लगातार बिना थके बिना रुके डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म, बाइल प्रोडक्शन, ब्लड सप्लाई, प्रोटीन सिंथेसिस जैसे 500 से भी ज़्यादा तरह के काम करता है ताकि हमारा यह शरीर इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। हम यहाँ पर हमारे बॉडी के लीवर के बारे में बात करें, लीवर हमारे शरीर का सबसे हैवियस, सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन होता है। साथ ही साथ लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हमारे लीवर हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट हैंड पोर्शन में प्रेजेंट होता है, यह हमारे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है और हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो हमारा लीवर डार्क रेडिश ब्राउन, गहरे लाल भूरे रंग का होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यह एक ट्रायंगुलर वेस्ट शेप का ऑर्गन होता है जहां पर आपको दो लोब्स
अनइक्वल शेप एंड साइज की दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक हेल्दी फिट इंसान के लीवर के वजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1500 ग्राम तक का वजन हो सकता है हेल्दी पर्सन के लीवर का, और इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जब आप लीवर को डिटेल मैनर में ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर समझेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे लीवर को 4 लोब्स में बांटा जाता है। सिंपली क्या होता है, जब आप हमारे लीवर को सामने साइड से देखते हैं, फ्रंट व्यू से देखते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपके जो लीवर है उसको 2 पार्ट में आपको नजर आता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लेकिन वहीं जब आप लीवर को नीचे साइड से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे लीवर की 2 और लोब्स दिखाई देती हैं, जिनका नाम होता है क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। ये जो क्वाड्रेट लोब होती है ये सिंपली हमारे राइट लोब एंड लेफ्ट लोब के बीचों बीच प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रही होगी। वहीं जो क्वाड्रेट लोब होती है यह हमारे लीवर के राइट लोब के निचले हिस्से में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो ये दोनों लोब्स हैं, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, यह हमारे लीवर की एक एसेसरी लोब्स होती है, कहने का मतलब एक सहायक भाग होता है, सहायक हिस्सा होता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब आप लीवर को सामने साइड से देखेंगे, फ्रंट व्यू में देखेंगे, तो आपको एक रस्सी जैसा बीच में स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, एक लिगामेंट जैसा नजर आ रहा होगा। इस लिगामेंट को फेल्सी फॉर्म लिगामेंट बोलते हैं। यह फेल्सी फॉर्म लिगामेंट एक सुपरफिशियल डिवीजन क्रिएट करता है हमारे लीवर के राइट लोब एंड लेफ्ट लोब के बीच में। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है, यह जो फेल्सी फॉर्म लिगामेंट होता है यह हमारे लीवर को सतही रूप से, बाहरी रूप से, ऊपरी रूप से राइट एंड लेफ्ट लोब में विभाजित करता है। यहाँ पर अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज जान लीजिए कि मेडिकल फील्ड में लीवर को स्टडी करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है, जिसका नाम होता है कैंटलीज लाइन। सिंपली ये जो कैंटलीज लाइन होती है एक तरह का वर्टिकल प्लेन होता है जो हमारे लीवर को राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड करता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। सो सिंपली यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कैंटलीज लाइन क्या होती है। कैंटलीज लाइन एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा होती है जो हमारे लीवर को राइट लोब एंड लेफ्ट लोब में विभाजित करती है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में जितना भी ब्लड मौजूद है उसका 13% तक ब्लड हमारा लीवर होल्ड करके रख सकता है किसी भी समय में। कहने का मतलब नियर अबाउट अगर हम वॉल्यूम से बात करें तो 450 ml से लेके 500 ml तक ब्लड आपके लीवर में हर समय मौजूद रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, क्या आपको इसके पहले इसका पता था? यहाँ पर हमारे लीवर को 2 मेन जगहों से ब्लड सप्लाई मिलती है। यहाँ पर 2 बड़ी लार्ज ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, जिनका नाम होता है पहली हेपेटिक आर्टरी और दूसरा होता है पोर्टल वीन। यहाँ पर पोर्टल वीन को हम हेपेटिक पोर्टल वीन भी बोलते हैं। मिल यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जहां भी आप वर्ड सुने हेपेटिक, हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, लीवर से संबंधित, तो जहां भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप हेपेटिक वर्ड सुने तो समझ लीजिए कि वहां पर लीवर के बारे में बात हो रही है। ये हेपेटिक वर्ड एक तरह से देखा जाए तो एक ग्रीक वर्ड है, फिर उसको और कन्वर्ट करके वो लैटिन वर्ड बना, फिर लैटिन से यहाँ पर आया लीवर। ठीक है, तो हेपेटिक मतलब लीवर, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। मेनली क्या होता है, पोर्टल वीन को जनरली बहुत सारी बुक्स में आपको हेपेटिक पोर्टल वीन लिखा मिलेगा, HPV लिखा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 चीजें मैंने बताई आपको, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वीन, इन सब के बारे में मैं पहले ही अपने वीडियोस में डिटेल में बात कर चुका हूँ कि यह ब्लड वेसल, आर्टरी, वीन क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये तीनों वीडियोस देख लीजिए, तभी आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर शॉर्टली ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। सिंपली जो ये ब्लड वेसल होती है या एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से हमारे पूरे शरीर में खून एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और आता है। ठीक है, वहीं जो यह आर्टरी, वीन, कैपिलरीज हैं या टाइप होते हैं ब्लड वेसल के, ब्लड वेसल इन तरह की होती हैं, आर्टरी होगी या तो वीन होगी या कैपिलरी होगी। इनमें बेसिक सा डिफरेंस यह होता है कि आर्टरीज जो होती है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट से निकाल के पूरे शरीर में लेके जाती हैं, वहीं जो वीन होता है यह पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट तक भेजती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्टरीज क्या होती है और वीन क्या होती है। यहाँ पर आप आर्टरीज और वीन्स के बीच क्या मेन डिफरेंस होते हैं वो देख पा रहे होंगे। हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक लीवर ब्लड सप्लाई में। अभी तक हम वीडियो में सीख चुके हैं कि हमारे लीवर को 2 जगहों से ब्लड सप्लाई मिलती है, जिसमें से पहला है हेपेटिक आर्टरी और दूसरा होता है हेपेटिक पोर्टल वीन। जैसे कि आप एक इमेज देख पा रहे हो, यहाँ पर लीवर हमारा सेंटर पे है, लीवर में एक तरफ हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आ रहा है, दूसरा यहाँ पर आपको देख रहा होगा हेपेटिक पोर्टल वीन से ब्लड आपके लीवर में एंटर हो रहा है। ठीक है, और वहीं यहाँ से लीवर से एग्जिट कैसे होता है ब्लड आपकी हेपेटिक वीन के थ्रू। तो यहाँ पर इन टर्म्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हेपेटिक आर्टरी। यहाँ पर जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आर्टरीज मतलब
जो ब्लड वेसल आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके हार्ट से निकाल के पूरे शरीर में सप्लाई करते हैं उसको हम आर्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हेपेटिक आर्टरी है उसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आपका हार्ट से आ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं जो हम सांस लेते हैं तो उस एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है जहाँ पर लंग्स में बहुत सारे वर्किंग यूनिट्स होते हैं जो इस ऑक्सीजन को आपके ब्लड में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। फिर यह ब्लड आपके हार्ट में जाता है और हार्ट से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो यहाँ पर जब हार्ट से जो एक बड़ी ब्लड वेसल निकलती है जिसको हम एओटा बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, उसके माध्यम से ब्लड मिला, जो ये एओटा होती है इससे कई सारे ब्रांचेस बाहर की तरफ निकली होती हैं। तो उसमें एक ब्रांच को बोलते हैं सेलिएक ट्रंक। सेलिएक ट्रंक क्या करता है? सेलिएक ट्रंक के थ्रू आपके लीवर में ब्लड सप्लाई आती है। कैसा ब्लड सप्लाई? ऑक्सीजन रिच, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, वह ब्लड आपके लीवर तक पहुंचता है इस सिलिएक ट्रंक के होते हुए। सिलिएक ट्रंक से आगे इसको जब जाता है तो इसको हम हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं। जो ब्लड वेसल आपके सिलिएक ट्रंक से जुड़ी हुई होती है और ले जाके ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके लीवर को देती है उसको हम बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सिलिएक ट्रंक है, जो एक तरह का ब्लड वेसल है जो आपके एओटा से बाहर की तरफ निकल रही है, या आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, स्प्लिन हो गया, पेनक्रियाज हो गया, उनको भी ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाने का काम करता है या सिलिएक ट्रंक, जिसको हम सिलिएक आर्टरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो हेपेटिक आर्टरी होती है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके लीवर तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी ब्लड वेसल जो आपके लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, जिसको बोलते हैं हम पोर्टल वीन, या फिर हम इसको हेपेटिक पोर्टल वीन बोलते हैं। सिंपली यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझिए कि वीन यहाँ पे वर्ड जुड़ा हुआ है। वीन्स मतलब क्या होती है? ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचाती हैं या किसी और ऑर्गन में पहुंचाती है। तो सिंपली यहाँ पर जो ब्लड आपके लीवर को मिल रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहने का मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और यह मात्रा कम क्यों हो गई? यहाँ पर सिंपली क्या होता है, जो आपकी यह पोर्टल वीन है, यह पोर्टल वीन आती कहाँ से है? आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, स्प्लिन हो गया, आपका पेनक्रियाज हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, तो यहाँ से आपकी जो पोर्टल वीन है सारे ब्लड इकट्ठा करती है और आपके लीवर में भेजती है। मेनली क्या होता है, जो भी आप खाना खाते हैं उस खाने में क्या होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट होंगे। मैक्रो मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। और क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए। तो जो ये खाना आपके अंदर जाता है तो हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऑर्गन्स हैं, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस खाने को तोड़ने का काम करते हैं। और इस खाने को जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, जो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी अमीनो एसिड होती है। फिर जो कार्बोहाइड्रेट हो गया उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज। वहीं जो आपके फैट्स होते हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फैटी एसिड हो गया, ग्लाइसरॉल हो गया। तो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारे खाने को उनके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ते हैं। और आपको जब तोड़ देते हैं इनको तो इसको क्या करते हैं, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हम आपके ब्लड में मिला देते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलीज होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट चुके हैं, अमीनो एसिड बन चुके हैं, आपका ग्लूकोज बन चुके हैं, फैटी एसिड बन चुके हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। और यह ब्लड कलेक्ट होते हैं आपके पोर्टल वीन में और पोर्टल वीन्स इसको आपके लीवर में सप्लाई कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्लड आपको इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से मिल रहा है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी मात्रा बढ़ चुकी है। तो जो आपको पोर्टल वीन से ब्लड मिल रहा है, जो लीवर में जा रहा है, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन वह न्यूट्रिएंट रिच होता है, उसमें पोषक तत्व की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूँ तो वह एक लाइन होगी कि पोर्टल वीन कैरीज न्यूट्रिएंट रिच बट ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम अवर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक टू द लीवर।
आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यह हेपेटिक पोर्टल वीन आपके लीवर को कैसे ब्लड सप्लाई करती है और किस तरह का ब्लड सप्लाई करती है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि आपके ब्लड आ रहा है एओटा से। एओटा कहाँ से आती है? आपके हार्ट से आती है, जो एक लार्जेस्ट आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। वहाँ से एक ब्रांच बाहर निकली है जिसको हम बोलते हैं सेलिएक आर्टरी। यह आर्टरी आपके हेपेटिक आर्टरी को ब्लड सप्लाई करती है और इसी सेलिएक आर्टरी से आपके स्टमक को ब्लड जा रहा है, आपके स्प्लिन में ब्लड जा रहा है और आपके पैनक्रियास में ब्लड जा रहा है, ठीक है। वहीं और नीचे आए तो आप देखेंगे एओटा के नीचे एक और ब्रांच निकली है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इस सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से आपके पैनक्रियास को ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके लार्ज इंटेस्टाइन को ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है, ठीक है। उसके थोड़ा और नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दिख रही होगी आपके एओटा से बाहर निकलते हुए, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। कैसा? ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब जब ये जो हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, स्टमक, स्प्लेन, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर जो फूड अब्जॉर्ब होने थे, जो उनके न्यूट्रेंट है, वो सारे अब्जॉर्ब हो गए और यहाँ पर इन ऑर्गन्स ने आपके जो ब्लड सप्लाई में जो ऑक्सीजन उसको कंज्यूम कर ली और जो ब्लड है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया और फिर उसमें क्या हुआ, उस ब्लड में न्यूट्रिएंट मिल गए, न्यूट्रिएंट ऐड हो गए और ये सारा ब्लड जाता है आपके पोर्टल वीन में। अलग अलग ब्लड वेसल्स एक जगह इकट्ठा होती हैं और उस वीन को हम बोलते हैं पोर्टल वीन। यह पोर्टल वीन आपके लीवर को ब्लड सप्लाई करती। कैसा ब्लड? ऑक्सीजन पुअर बट न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। कि हमारे लीवर को कितना परसेंटेज ब्लड ये दोनों ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर इसके दो सिनारियो होते हैं। सिंपली क्या होता है, यहाँ पर दो तरह से इसको देखा जाता है। पहला कंडीशन होती है जहाँ पर रेस्ट पोजीशन में, या तो फिर आप बोल सकते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में कितना ब्लड सप्लाई आपका लीवर रिसीव करता है, और दूसरा सिनारियो होता है पोस्ट प्रैंडियल इफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, सिंपली खाना खाने के बाद आपका लीवर कितना ब्लड सप्लाई रिसीव करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप बने रहें मेरे साथ पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं एट रेस्ट नॉर्मल कंडीशन में कितना ब्लड सप्लाई आपका लीवर रिसीव करता है। तो यहाँ पर इस सिनारियो में आपका लीवर 75% ब्लड सप्लाई आपके लीवर को मिलती है पोर्टल वीन से, ठीक है। वहीं जो बाकी बची 25% ब्लड सप्लाई है, 25% ब्लड सप्लाई आपके लीवर को मिलती है आपकी हेपेटिक आर्टरी से। जैसे कि आप जानते हैं हेपेटिक आर्टरी आपके लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। यह ब्लड कहां से आता है? आपके हार्ट से आता है। हार्ट से जो ब्लड पंप हुआ ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो आपकी एओटा ब्लड वेसल से आता है, फिर सिलिएक ट्रंक से होते हुए आपके हेपेटिक आर्टरी में आता है और फिर इससे लीवर में एंटर करता है, ठीक है। वहीं जो पोर्टल वीन होती है, जो आपके लीवर को 75% ब्लड सप्लाई करती है, उसका ब्लड आता है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से, जो आपका स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गए। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो सप्लाई होता है पोर्टल वीन को, पोर्टल वीन ले जाके ये ब्लड सप्लाई करती है आपके लीवर को। मेनली यहाँ पर क्या होता है, जो पोर्टल वीन से ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लेकिन यहाँ पर जो पोर्टल वीन आपके ब्लड सप्लाई कर रही है, उस ब्लड में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, वह न्यूट्रिएंट रिच होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपने खाना खाया है तो वो आपके स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो सबसे अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटता है। फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड में टूटेगा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपनी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में टूटेगा, जो फैट्स हैं वो अपनी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फैटी एसिड्स में टूटेंगे, ग्लिसरॉल्स में टूटेंगे। तो यह सब जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट गया, उसको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविली, और फिर एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड में मिला देती है। और यह ब्लड हमारी जो पोर्टल वीन है उन सबको कलेक्ट करती है, हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अलग अलग ऑर्गन से, और सप्लाई करती है आपके लीवर को। तो यहाँ पर जो लीवर को पोर्टल वीन से ब्लड सप्लाई मिल रही है वह डीऑक्सीजनेटेड तो है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो कम है, लेकिन उसको उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जान लीजिए कि जो ब्लड सप्लाई आपके पोर्टल वीन
के थ्रू आपके लीवर में जा रही है, उसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ ही साथ आपको एंडोक्राइन सिक्रीशंस भी रहते हैं, हॉर्मोन्स रहते हैं, आपके आर्थ्रोसाइट्स रहते हैं जो ब्रोकन डाउन हो चुके हैं, और जो टॉक्सिन हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर देती है वह भी उस ब्लड सप्लाई के साथ लीवर को जाते हैं, और फिर वहाँ पर लीवर के जो वर्किंग यूनिट्स हैं, लॉब्यूल्स हो गए, उसको फिल्टर करते हैं, उससे टॉक्सिन हटाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हटाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, जो पोर्टल वीन ब्लड सप्लाई करती है आपके लीवर को, उसको वेनस ब्लड भी बोलते हैं, तो इसके नामों से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं सेकंड सिनारियो की, पोस्टप्रेंडियल इफेक्ट की। जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपके लीवर की जो ब्लड सप्लाई का परसेंटेज है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो पोर्टल वीन है वह 90% 90% ब्लड सप्लाई करती है खाना खाने के बाद। मेनली क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं, जब आप पूरा खाना खा चुके होते हैं, तो यहाँ पर सिंपली 10 मिनट बाद से यह जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ने लगती है, और इसका जो पीक आता है वो 1 घंटे के बाद आता है, और फिर यह जो ब्लड सप्लाई है वो 2 घंटे बाद नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल में 75% ब्लड आपके पोर्टल वीन से आता है और 25% ब्लड आपके हेपेटिक आर्टरी से आता है आपके लीवर को, लेकिन खाना खाने के बाद 90% ब्लड आपके पोर्टल वीन आपके लीवर को सप्लाई करते हैं। यह परसेंटेज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो पोर्टल वीन है वह ब्लड कहाँ से लाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लाती है, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपके ग्लॉल ब्लैडर है ना, आपका स्प्लिन है, तो ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जब खाना खाने के बाद जो आपने खाना खाया उसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ते हैं, वह न्यूट्रिएंट आपके फिर अब्जॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन आपके ब्लड स्ट्रीम में मिला देती है, आपके ब्लड में मिला देती है, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई है लीवर को वो बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ जाती है, 90% तक पहुंच जाती है, ठीक है। वहीं जो बाकी बचा 10% ब्लड है वह आपको हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करती है खाना खाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ इसको बोलते हैं पोस्टप्रेंडियल इफेक्ट। एक लाइन में मैं समराइज करना चाहूँ तो पोस्टप्रेंडियल इफेक्ट में क्या होता है, आपके लीवर को 90% ब्लड सप्लाई पोर्टल वीन से मिलती है और मात्र 10% ब्लड सप्लाई हेपेटिक आर्टरी से मिलती है। तो आई होप आपको जो कन्फ्यूजन था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जो भी ब्लड सप्लाई आपका लीवर रिसीव करता है वह ब्लड सप्लाई जाती है आपके लीवर के वर्किंग यूनिट लॉब्यूल्स के अंदर, और जहाँ पर सारा ये फिल्ट्रेशन का काम होता है, आपका ब्लड क्लीन होता है, उस ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वह अलग होते हैं, उस ब्लड में जो टॉक्सिन्स हैं वह बाहर निकाले जाते हैं, तो सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो लीवर के अंदर होता है वो लॉब्यूल्स करते हैं। लॉब्यूल्स एक तरह की वर्किंग यूनिट होती हैं लीवर की, कि हमारे लीवर को जो ब्लड सप्लाई रिसीव हुआ है उसका लीवर क्या करता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट जनरल पार्ट और दूसरा एडवांस पार्ट। जनरल पार्ट में हम क्विकली समझेंगे लीवर क्या काम करता है, और एडवांस पार्ट में हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि लीवर क्या काम करता है। तो शुरुआत करते हैं जनरल पार्ट से। इस जनरल पार्ट में हम आसान सी भाषा में समझेंगे कि हमारा लीवर कैसे काम करता है। तो सिंपली जो ब्लड सप्लाई आपके लीवर में आई, तो हम जानते हैं कि लीवर के अंदर बहुत सारे लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लॉब्यूल्स हमारे लीवर की वर्किंग यूनिट होती है। इन लॉब्यूल्स के अंदर बहुत सारे तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि पोर्टल ट्रायड होता है, हेपेटोसाइट्स होते हैं, साइनोसोइड होता है, कफर सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, आपका स्टेलिएट सेल। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं यह मिलके आपके ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं, और उससे जो टॉक्सिन्स हैं उसको हटाते हैं, या फिर उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको हटाते हैं, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसमें आपका जो हेपेटिक आर्टरी से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया है और जो पोर्टल वीन से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आया है उसको मिक्स करते हैं और इसको हार्ट में भेजते हैं। यहाँ पर यह जो ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है, फिल्टर हो चुका है, जिससे टॉक्सिन्स हट चुके हैं, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड मिल चुका है, ऑक्सीजन रिच ब्लड मिल चुका है, वो सारे लॉब्यूल्स से आपके सेंट्रल वीन में आते हैं। सेंट्रल वीन यह सारा ब्लड ले जाके आपके हेपेटिक वीन को सप्लाई करती है, हेपेटिक वीन ले जाके यह ब्लड आपके हार्ट में सप्लाई करती है, खासतौर से हार्ट के वेना केवा में सप्लाई करती है, और फिर हार्ट से यह ब्लड पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब लीवर हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, क्लीन करता है, टॉक्सिन्स को हटाता है, तो यहाँ पर कई सारे
वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, एंड प्रोडक्ट बचते हैं, बाई प्रोडक्ट बचते हैं, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट से हमारा लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल एक तरह का फ्लूइड होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, हमारे जो भी हमने चीज़ें खाई है उसको ब्रेक डाउन करता है, जो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट खाए हैं जैसे प्रोटीन का, फैट, उनको ब्रेक डाउन करता है। सिंपली यहाँ पर खास तौर से हमारा जो बाइल होता है, हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है लॉब्यूल्स के अंदर, उसको बाइल डक्ट के थ्रू हमारे गॉल ब्लैडर तक ले जाता है, गॉल ब्लैडर में इस बाइल को स्टोर करा देता है। और जब भी, खास तौर से जब हम ऐसा कोई फूड खाते हैं जिसमें फैटी सब्सटेंस ज़्यादा हो, वो फैट अब जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हमारा गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जाके क्या करता है, उस फैटी आइटम को इमल्सीफाई करता है, कवर अप करता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है। किस में ब्रेक डाउन करेगा, फैट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स में ब्रेक डाउन करेगा, ताकि ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविली हैं उसमें अब्सॉर्ब होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएं। और यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, बाइल एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे ब्लड से निकला हुआ है, ठीक है। ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था, जो हार्मफुल प्रोडक्ट थे, जो टॉक्सिन्स थे, उससे आपका ये बाइल बना। तो बाइल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स भी हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं। तो इस प्रोसेस जब ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना काम किया, फैट को ब्रेक डाउन किया और फिर यह आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर यह हमारे जो स्टूल होता है, जो फेसेस जिसको बोलते हैं, जो आपका मल होता है, उसके थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर एक और खास चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हमारा लीवर हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, जो जहरीले पदार्थ प्रेजेंट है, उनको नहीं हटा पाता ब्लड से, तो वो उनको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कम जहरीले पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमोनिया टॉक्सिक है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, जो कि लेस टॉक्सिक है हमारे शरीर के लिए। और यह ब्लड आपके हेपेटिक वीन से आपके हार्ट में चला जाता है और हार्ट से यह ब्लड आपके सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप जान सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिया यहाँ पर आ गया आपके ब्लड में, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में और भी ऑर्गन होते हैं जो हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं, जैसे कि आपका किडनी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा ब्लड जो आपके हार्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे शरीर में, तो यहाँ पर हार्ट क्या निकलती है, एओटा। एओटा में यह ब्लड गया, एओटा से यह आपके एब्डोमिनल एओटा में गया, एब्डोमिनल एओटा से एक रेनल आर्टरी निकलती है, रेनल आर्टरी यह ब्लड ले जाके आपके किडनी को सप्लाई कर देती है। किडनी आपके इस ब्लड को जिसमें यूरिया है उसको फिल्टर आउट करती है, यूरिया को वो यूरिन में कन्वर्ट करती है और आपके शरीर से बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है लीवर के अंदर, उससे जो अच्छा ब्लड बना वो हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाइल के थ्रू बाहर निकल गए या फिर वो ब्लड में मिल गए, जिसको हमारी किडनी ने फिल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया। तो यह पूरी प्रोसेस होती है कि हमारा लीवर कैसे ब्लड को क्लीन करता है, फिल्टर आउट करता है और हमें एक अच्छा न्यूट्रिएंट रिच, ऑक्सीजन रिच, हार्मलेस ब्लड पूरे शरीर में भेजता है, ठीक है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमारा लीवर कैसे हमारे ब्लड को क्लीन करता है। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पर सिंपली क्या होता है, जब आप कोई ऐसा चीज़ कंज्यूम करते हैं जिसमें प्रोटीन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मीट कंज्यूम कर रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, तो हमारा जब यह प्रोटीन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटता है यह प्रोटीन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है प्रोटीन की, एमिनो एसिड। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हेल्दी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वह इस प्रोटीन को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ते हैं, एमिनो एसिड में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जब बैक्टीरिया इनको तोड़ते हैं एमिनो एसिड में, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में, तो कुछ एमिनो एसिड बच जाते हैं, लेफ्ट ओवर हो जाते हैं और इस दौरान क्या प्रोड्यूस हो जाता है, अमोनिया। ये जो अमोनिया होता है ये एक तरह का नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, यह एक तरह का टॉक्सिन होता है, यह हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, यह जहरीला है, ठीक है। अगर यह हमारे ब्लड में ज़्यादा रहता है तो यह हमारे ब्लड के पीएच को बहुत बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत खतरा होता है। और यह अमोनिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके हमारे जो पोर्टल वीन, जो ब्लड सप्लाई कर रही है लीवर को, कैसा ब्लड, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, उसमें मिल जाते हैं और लीवर तक पहुँच जाते हैं। लीवर में जब अमोनिया आया तो जो लीवर के अंदर लॉब्यूल्स प्रेजेंट है और लॉब्यूल्स के अंदर जो बहुत सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हटाते हैं। लीवर क्या करता है, टॉक्सिन्स को
हटाता है या फिर उसको लेस टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो अमोनिया आपके लीवर में पहुंच गया है ब्लड के थ्रू, हमारा लीवर उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। जो यूरिया होता है वो लेस टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू आपके अमोनिया से, और फिर इसको आपके उस ब्लड के साथ मिला देता है जो न्यूट्रिएंट रिच भी है और जिसमें ऑक्सीजन भी है। न्यूट्रिएंट रिच और ऑक्सीजन रिच कैसे आया? हेपेटिक आर्टरी आपके लीवर को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है और आपके पोर्टल वीन आपके लीवर को न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई करती है। दोनों आके हमारे लीवर में मिलते हैं, लीवर हम इनको मिक्स करता है अच्छे से और यहाँ पर वेस्ट टॉक्सिन हटाता है और यह ब्लड आपके हार्ट में जाता है और हार्ट इस ब्लड को आपके एओर्टा में भेजता है, आपके एब्डोमिनल एओर्टा में भेजता है, फिर वहाँ से रेनल आर्टरी में जाता है और रेनल आर्टरी से आपकी किडनी में पहुँचा। किडनी क्या करती है? इस ब्लड को जिसमें यूरिया है उसको कन्वर्ट कर देती है आपके यूरिन में और अच्छा ब्लड बॉडी को सप्लाई कर देती है और जो वेस्ट है उसको यूरिन में बदल दी और यूरिन हमारे ब्लैडर जो होता है उसमें स्टोर करा दी और फिर हमारे ऑर्गन्स के थ्रू जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे बाहर निकल जाता है। सो एक स्ट्रेट लाइन में बताऊं तो लीवर हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड फिल्टर करने के बाद ये अच्छे ब्लड को आपके हार्ट में भेज देता है और जो उस ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको या तो बाइल बना देगा या बाइल की तरफ भेज देगा या फिर उसको ब्लड में मिला देगा। कैसा? लेस हार्मफुल, लेस टॉक्सिक बना के। तो इस तरह से पूरा क्लीनिंग प्रोसेस होता है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब तो यह था एक जनरल एक्सप्लेनेशन हमारा लीवर कैसे ब्लड सप्लाई करता है और कैसे क्लीन करता है। अब बात करते हैं थोड़ा एडवांस की। एडवांस में हम जानेंगे कि जो हमारा लॉब्यूल्स होता है उसके जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या काम करते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लीवर की वर्किंग का एडवांस पार्ट, जहां पर हम समझेंगे लॉब्यूल्स के स्ट्रक्चर को और इसकी फंक्शनिंग को। सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि हमारे लीवर के अंदर 50,000 से लेकर 1,00,000 तक लॉब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यहां पर बहुत सारे लॉब्यूल्स मिलकर जो लीवर फंक्शन परफॉर्म करता है वह सारे उसको परफॉर्म करने में मदद करते हैं। मेनली ये जो लॉब्यूल्स होते हैं अगर हम इनके टॉप व्यू से देखा जाए तो ये एक हेक्सागोनल शेप के दिखते हैं। हेक्सागोनल तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। वहीं इन लॉब्यूल्स को अगर हम सामने से देखेंगे, फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप के दिखते हैं। अगर हम इनकी एक जनरल थिकनेस की बात की जाए तो यह 0.8 mm टू 2 mm तक की थिकनेस के हो सकते हैं। वहीं एक हेल्दी एडल्ट के लॉब्यूल्स के बारे में बात करें तो यह 1.5 mm चौड़ाई के होते हैं। यहाँ पर आप हमारे लीवर के लॉब्यूल्स का एक क्रॉस सेक्शनल व्यू देख पा रहे होंगे। जो लॉब्यूल्स होते हैं इनका जैसा स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल शेप के होते हैं, तो बहुत सारी ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलके हमारे लीवर का निर्माण करते हैं। देखने में ये एक मधुमक्खी के छत्ता, जो हनीकॉम आपने देखा होगा ना, मधुमक्खी के छत्ते होते हैं जिसमें हेक्सागोनल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर मधुमक्खी अपना शहद रखती हैं, तो ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर हमारे लॉब्यूल्स का होता है। जब बहुत सारे लॉब्यूल्स को एक साथ हम देखते हैं तो वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है। मेनली क्या होता है, जो ये हनीकॉम वाला स्ट्रक्चर होता है वो आर्किटेक्चर में सबसे डेंस और सबसे स्टेबल, सबसे मजबूत स्ट्रक्चर माना जाता है। तो ठीक इसी तरह का जो स्ट्रक्चर हमारे लॉब्यूल्स का होता है जिसकी मदद से आपके लीवर का निर्माण होता है। और यहाँ पर एक थिन डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे लॉब्यूल्स को एक साथ रखता है एक कैप्सूल के अंदर, जिसको ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। ये जो ग्लिसन कैप्सूल होता है इसका काम क्या होता है कि जब भी लीवर का साइज बढ़ता है या घटता है तो उस साइज को वो संभाल सके। आपने जैसे कि मैंने आपको बता चुका है कि जो पोस्टप्रेंडियल इफेक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो ब्लड सप्लाई जब ज़्यादा होती है खाना खाने के बाद तो आपका जो लीवर है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है और जब ब्लड वहाँ से निकल जाता है तो लीवर आपका श्रिंक हो जाता है। तो डेली बेसिस पे हमारे जो लीवर का साइज है वो घटता बढ़ता रहता है, तो उस घटते बढ़ते साइज को झेलने के लिए जो पूरा लीवर का स्ट्रक्चर होता है वह एक कैप्सूल के अंदर बंद होता है जिसको ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। Thus to withstand significant daily change in liver size, liver is enclosed inside ग्लिसन्स कैप्सूल। वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक लॉब्यूल्स पे। ये लॉब्यूल्स देखने में तो बहुत छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं लेकिन इस छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारे तरीके के स्ट्रक्चर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। मेनली जो आपका ये लॉब्यूल होता है इसके अंदर होते हैं पोर्टल ट्राइड हो गया, हेपेटोसाइट्स होते हैं, आपके साइनोसोइड होते हैं, कफर सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, स्टेलिएट सेल्स होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके इस छोटे से लॉब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है जो मिलके आपके
आपके ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं, आपके ब्लड को क्लीन करते हैं, टॉक्सिन्स वहां से हटाते हैं और आपको एक अच्छा ऑक्सीजन रिच न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आपके हार्ट में भेजता है लॉब्यूल। ठीक है, तो यहां पर हम इन लॉब्यूल्स के जो सारे स्ट्रक्चर हैं इनको एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि हमारे लॉब्यूल्स कैसे काम करते हैं और आपका लीवर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्टल ट्राइड की। पोर्टल ट्राइड, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ये ट्राइड लगा है इसके पीछे, मतलब इसमें तीन चीजें हैं। तो जो ये पोर्टल ट्राइड होता है लॉब्यूल्स का, इसमें मिली तीन चीजें प्रेजेंट होती है, जिसमें से पहला होता है हेपेटिक आर्टरी। जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है हेपेटिक आर्टरी क्या होती है। हेपेटिक आर्टरी वो आर्टरी होती है जो आपके लीवर को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है। वहीं दूसरी चीज होती है इसमें पोर्टल वीन। पोर्टल वीन क्या होती है? पोर्टल वीन वह वीन होती है जो आपके लीवर को न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई करती है। और तीसरा स्ट्रक्चर इस पे है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं डक्ट मतलब क्या होता है, एक पैसेज वे होता है, एक नाली जैसा, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से हवा या पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा ना, एसी का डक्ट है, ये लिफ्ट का डक्ट है ना। सिंपली यहाँ पर जो ये बाइल डक्ट है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे लॉब्यूल्स ने बाइल बनाया है, वह गलियों से होते हुए, जो लॉब्यूल्स के अंदर छोटी छोटी गलियां हैं उससे होते हुए इस बाइल डक्ट में आता है। मेनली बाइल कहाँ से बनता है? जब भी हमारे ब्लड को हमारा लीवर के लॉब्यूल्स फिल्टर करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उस ब्लड से बहुत सारे एंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो उन सब की मदद से हमारा लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है और ये बाइल इसको इन गलियारों से होते हुए बाइल डक्ट में लेके जाके छोड़ देता है। ठीक है, उस बाइल डक्ट से जब सारे लॉब्यूल्स के जो डक्ट होते हैं एक जगह से कनेक्ट होते हैं और फिर हमारा लीवर उस बाइल डक्ट से बाइल को ले जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर करा देता है। और यहाँ पर जो ये बाइल होता है, ये येलोइश ग्रीन कलर का दिखता है। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो बाइल होता है एक तरह का डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है। मेनली जब भी आप कोई खाना खाते हैं और खास तौर से जब भी आप कोई डाइट्री फैट कंज्यूम करते हैं, तो जब आपका डाइट्री फैट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, तब आपका गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बाइल आता है तो वह इस खाए हुए डाइट्री फैट को कवर अप करता है, इमल्सीफाई करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है फैट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फैटी एसिड में। और जो ये फैटी एसिड है, यह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोविलीज प्रेजेंट है वहां से एब्जॉर्ब करके आपके पोर्टल वीन में भेज दिए जाते हैं। ये जो बाइल होता है एक तरह का एक्वा सोल्यूशन होता है, इसमें 95% पानी होता है और बहुत सारे इसमें एंडोजीनस सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि बाइल सॉल्ट हो गया, बिलीरुबिन फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एंजाइम हो गया, फॉरफाइरिन हो गया, जेनोबायोटिक्स हो गए, एक्सोजीनियस ड्रग्स हो गए, तो बहुत सारे चीजें इस बाइल के अंदर डिजॉल्व रहती है। इसलिए जो बाइल होता है एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव फ्लूइड बनता है, तभी तो ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो सबसे डेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट, उसको तक ब्रेक डाउन कर सकता है। सो आप देख पा रहे हैं जो बाइल प्रोडक्शन है ये हमारे लीवर का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यहां पर तो मैंने सिर्फ आपको दो ही फंक्शन बताए। पहला क्या बताया था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिन्स है, ब्लड से हटके बाइल बनता है जिससे आपका ब्लड साफ हो गया। दूसरा क्या बताया कि बाइल आपके फैट को तोड़ता है। यहां पर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, जो ये बाइल होता है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को हटाने का, बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है। सिंपली क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लीवर ने बनाया हुआ इस बाइल में मिला देता है, इस कोलेस्ट्रॉल की मदद से भी यह बाइल बनता है, फिर इस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया, गॉल ब्लैडर से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया जब भी आपने फैट खाया, और फिर यह आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया कोलेस्ट्रॉल, वहां से फिर आपके जो एक्सक्रीट होता है मल स्टूल के थ्रू, यह आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो द बाइल इज द मेजर रूट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और साथ ही साथ आपका बाइल अगर आपके ब्लड में एक्स्ट्रा अमाउंट में इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA जिसको बोलते हैं, इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स जैसे सब्सटेंस आ जाएं, तो उनको भी हमारे ब्लड से, हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है या बाइल, ताकि आपकी बॉडी एंट्रिक इंफेक्शन से बच जाए। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए IgA होता है, ये हमारे बॉडी में एक तरह का एंटीबॉडी होता है और खास तौर से सबसे ज्यादा अमाउंट में जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है वह यही होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए IgA। मेनली ये हमारे इम्यून फंक्शन को अच्छा करता है और खास तौर से जो हमारा मुकस मेम्ब्रेन होता है उसके इम्यून फंक्शन को अच्छा रखने के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर इसका जो परसेंटेज हमारे ब्लड में ज्यादा हो गया, इसका अगर लेवल ज्यादा
हो गया, तो ये एडवर्स इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट करता है। यह ऑटो इम्यून डिसीजेस आपको दे सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है? जहां पर आपका जो इम्यून सेल्स है वो आपके हेल्दी सेल्स को खाने लगते हैं, तो ये तो बड़ा गड़बड़ सी बात हो जाती है ना। जैसे ऑटो इम्यून डिसीज का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो जैसे सेलिएक डिसीज हो गई, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। अगर आपके ब्लड में IgA का लेवल ज्यादा दिखता है तो ये शो करता है कि आपको लॉन्ग टर्म, लंबे समय से कोई ना कोई इन्फेक्शन है, और खास तौर से कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है जैसे कि HIV हो गया। तो अगर आपके ब्लड में ये ज्यादा है तो ये खतरनाक चीज है। अगर मैं एक सिंपली एक हेल्दी एडल्ट, 16 से 45 साल का एक हेल्दी एडल्ट की बात करूं, तो उसके ब्लड में यह 0.8 to 2.8 तक हो सकता है, और जो बाकी रेंज है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो साइटोकिन्स होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने में मदद करते हैं। हमारी सिंपली जो साइटोकिन्स होते हैं ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो आपके इम्यून सेल के ग्रोथ के लिए और उसको अच्छा रखने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन अगर इनका जो लेवल है आपके ब्लड में ज्यादा हो गया, ये हाई लेवल में आ गए, तो ये आपको ऑटो इम्यून डिसीज देते हैं, जहां पर सिंपली आपके इम्यून सेल ही आपके हेल्दी सेल्स को खाने लगते हैं, जो एक गंभीर बीमारी हो जाती है। अगर साइटोकिन्स एक हेल्दी रेंज की बात करें तो आपके ब्लड में 3.2 to 10,000 pg/ml के बीच रेंज में होना चाहिए। तो यहां पर जो हमारा बाइल होता है वह इन इम्यूनोग्लोबुलिन, IgA, साइटोकिन्स जैसे सब्सटेंस को अगर ज्यादा हो गए ब्लड में तो उनको बाहर निकालने का काम भी करता है, ताकि हम बीमार ना पड़े, हमको इन्फेक्शन ना हो। तो देखा, बाइल बहुत सारे काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो यहां पर आपने एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानी बाइल के बारे में। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक लॉब्यूल्स के बारे में, जहां पर हम बात कर रहे थे पोर्टल ट्रायड की। तो यहाँ पर जो एक लॉब्यूल होता है उसके 6 कॉर्नर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपका लॉब्यूल होता है वो हेक्सागोनल शेप का होता है। तो हर जो हेक्सागोनल के एक कॉर्नर है वहाँ पर एक पोर्टल ट्रायड मौजूद होता है। तो इस तरह हेक्सागोनल शेप है, 6 कॉर्नर हुए, तो वहाँ पर आपको 6 पोर्टल ट्रायड एक लॉब्यूल के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक लॉब्यूल की इमेज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है आपके लॉब्यूल्स के एक हिस्से का। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो लॉब्यूल होता है वो हेक्सागोनल शेप का है, हर कॉर्नर पे पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट है। अगर उस कॉर्नर से हम सेंटर की तरफ आएं, लॉब्यूल्स के बीच वाले हिस्से तक आएं, तो वहां पर जो एक स्ट्रक्चर आता है वह पूरा अरेंजमेंट आप यहां पर देख पा रहे होंगे। हर लॉब्यूल के जो कॉर्नर है उससे सेंटर तक पूरा ब्लड की प्रोसेसिंग होती है, फिल्टर आउट होते हैं। उस फिल्ट्रेशन के दौरान जो पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वह हिस्सा आप यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो ब्लड आता है पूरा फिल्टर आउट होने के बाद लॉब्यूल्स के सेंटर में मौजूद सेंट्रल वीन में जाता है, और सेंट्रल वीन से कहां जाता है, आपके हेपेटिक वीन में जाता है, फिर वहां से हार्ट की तरफ जाता है। तो यहां पर अगर हम एक हिस्से को देखें उठा के, तो कुछ इस तरह का हिस्सा नजर आता है। उस एक हिस्से में बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, और उसी हिस्से में से हम पढ़ रहे हैं एक हिस्सा हेपेटोसाइट सेल्स का। तो यहां पर सबसे पहले आप हेपेटोसाइट सेल्स की लोकेशन देख लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी बड़े एरिया में हेपेटोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं हमारे लॉब्यूल के अंदर। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारे लीवर का 80% हिस्सा आपके हेपेटोसाइट सेल से बना हुआ होता है। जी हाँ, आपके लीवर में 80% तो हेपेटोसाइट सेल्स ही मौजूद होते हैं। इसीलिए तो जो लीवर के सारे बड़े मेजर फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन स्टोरेज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट, फॉस्फोलिपिड हो गए, एक्सक्रीशन ऑफ एंडोजीनियस एक्सोजीनियस सब्सटेंस हो गए, आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, आपका इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाइल एंड सिक्रेशन ऑफ बाइल, जैसे बहुत सारे फंक्शंस आपके हेपेटोसाइट सेल परफॉर्म कर सकते हैं। इवन आपके जो हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं ये आपके कार्बोहाइड्रेट से फैटी एसिड्स बना सकते हैं और फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड बना सकते हैं। यहां पर जो सिंथेसाइज वर्ड होता है इसका मतलब अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो सिंपली यहां पर क्या होता है कि जब आप कोई दो या दो से अधिक चीजों को मिला के कुछ बनाते हैं तो उसको सिंथेसाइज करना बोलते हैं। तो सिंथेसाइज मतलब टू मेक समथिंग बाय कंबाइनिंग डिफरेंट थिंग्स। और एक और खास फंक्शन जो आपके हेपेटोसाइट सेल्स परफॉर्म कर सकते हैं वह है ग्लूकोनियोजेनेसिस। सिंपली ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपकी बॉडी ग्लूकोज बना सकती है किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट
कार्बन सब्सट्रेट से जैसे कि एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, पाइरूवेट से आपकी बॉडी ग्लूकोज बना सकती है। हम जैसे कि जानते हैं कि हमारी जो ब्रेन होता है, हमारी जो बॉडी होती है, इसका जो प्राइमरी सोर्स है फ्यूल का, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब हमारे अंदर जाते हैं तो ये अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में बदलते हैं। यही ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है, फिर आपको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर जब भी आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड में कम हो जाती है, तब आपका ब्रेन सिग्नल करता है लीवर को, या ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस इंड्यूस करती है। तब यहाँ पर आपके लीवर के जो हेपेटोसाइट सेल्स है वह ग्लूकोज बनाते हैं किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सब्सट्रेट से, ताकि आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज आ सके, आपको एक अलर्टनेस मिल सके, एनर्जी मिल सके। यहाँ पर आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत नीचे चला जाए तो आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस इंड्यूस कर सकता है आपके लीवर के लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट हेपेटोसाइट सेल्स। और जैसे कि आप जानते कि हमारा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, कहने का मतलब हमारे ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, उसको बॉडी से बाहर निकाल सकता है। तो सिंपली जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म करने के लिए भी यहाँ पर हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं। सिंपली जैसे कि जो टॉक्सिन्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ब्लड में जो अमोनिया आ गया उसको यूरिया में कन्वर्ट कर सकता है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो ये भी जो कन्वर्शन होता है ये आपके हेपेटोसाइट सेल्स ही करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में जितनी भी कोलेस्ट्रॉल की नीड होती है हमारा लीवर उसको खुद बना सकता है। तो यहाँ पर जो लीवर के ये हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। मेनली कैसे बनाते हैं, यह एसिटेट को सिंथेसाइज करके आपके ये कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, और फिर इसी कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करके बाइल सॉल्ट बनाते हैं, और फिर इन बाइल सॉल्ट में कुछ एडिशनल सब्सट्रेट को ऐड करके, जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, इनको ऐड करके या बाइल बनाते हैं। और बाइल तो आप जानते हैं, जैसे कि आप बता चुका हूं मैं, कि यह बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो आपके फैट को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो यहां पर आपने समझ लिया हेपेटोसाइट सेल्स के बारे में। अब बात करते हैं हमारे लॉब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट साइनोसॉइड के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर आप इस इमेज में साइनोसॉइड की लोकेशन देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। जो आपको यहां पर सेंट्रल में डार्क पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उससे हम साइनोसॉइड बोलते हैं। ये जो साइनोसॉइड होता है एक तरह की ब्लड वेसल होती है, और उसमें भी डिटेल में बात करें तो कैपिलरी टाइप की ब्लड वेसल। इसलिए इस साइनोसॉइड को बहुत सारी मेडिकल बुक्स में साइनोसॉइड कैपिलरी भी बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैपिलरीज क्या होती तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देख लें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती है। तो ये जो साइनोसॉइड है जिसको साइनोसॉइड कैपिलरी भी बोलते हैं, इसका मेन काम क्या होता है कि यहाँ पर मिक्सिंग होती है ब्लड की। और कैसी मिक्सिंग, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आपकी हेपेटिक आर्टरी से आ रहा है आपके लीवर के अंदर, और जो आपका न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आ रहा है आपके लीवर के अंदर पोर्टल वीन के थ्रू, ये दोनों आपस में इस साइनोसॉइड के अंदर मिक्स होते हैं, और जो बाकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आपके लॉब्यूल्स के, वह इस ब्लड को साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं, टॉक्सिन हटाते हैं, वेस्ट हटाते हैं, और फिर जब यह ब्लड साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, और अच्छी तरह से ऑक्सीजन रिच और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड दोनों मिल जाते हैं, तो यहां से यह आगे चला जाता है सेंट्रल वीन में, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां पर मैं आपको एक खास चीज बताना चाहूंगा साइनोसॉइड के बारे में, कि हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में जितनी भी कैपिलरीज मौजूद है उसमें से यह साइनोसॉइड कैपिलरी सबसे एडवांस होती है, सबसे ज्यादा क्षमतावान होती है, क्योंकि जो साइनोसॉइड कैपिलरी होती है इसके लाइनिंग में स्पेशलाइज एंडोथेलियल सेल्स, कफर सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि काफ़ी पोरस हैं, ज़्यादा छिद्रवान है, जिस कारण आपका जो ब्लड है वो बड़े डीप क्लीन होता है, बड़े अच्छे से फिल्टर होता है। और ख़ास तौर से साइनोसॉइड जो ब्लड बोन वेस्ट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, पैथोजेंस, वायरस, इन सब को हटा के ब्लड को अच्छे से फिल्टर करता है, साफ करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइनोसॉइड की लोकेशन, या ब्लड को साफ करने के बाद सेंट्रल वीन में भेज देता है जो लॉब्यूल्स के सेंटर में प्रेजेंट होती है, और इससे सारा ब्लड कलेक्ट होकर हर अलग अलग लॉब्यूल से इस सेंट्रल वीन में ब्लड आता है और यहां से चला जाता है आपकी हेपेटिक वीन में। तो अभी आपने समझ लिया साइनोसॉइड के बारे में, अब बात करते हैं कफर सेल्स के बारे में। ये जो कफर सेल्स होते हैं या स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो साइनोसॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आप यह इमेज में साइनोसॉइड के बीच में स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ग्रे कलर का, या कफर सेल्स कहलाते हैं।
ठीक है। मेनली जो कफर सेल्स होते हैं ये साइनोसॉइड के लाइनिंग में जो एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट है उसके साथ ये मौजूद रहते हैं। यहाँ पर जो कफर सेल्स है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से यह सेंट्रीलॉबुलर एंड पेरिपोर्टल रीजन जो साइनोसॉइड का होता है उस दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। कहने का मतलब इनका साइज बड़ा होने की वजह से यह साइनोसॉइड के बीच वाले हिस्से और सतह वाले हिस्से दोनों में आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। और सबसे खास बात, कफर सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं मैक्रोफेज। ये जो मैक्रोफेज होते हैं एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी के लिए चाहिए होते हैं। मेनली क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाने जाता है या उसको खत्म कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब भी आपके बॉडी में कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो हमारे जो यह मैक्रोफेज हैं यह उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको अपने अंदर खींचते हैं और अंदर खींच के उसको खत्म कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो भी गट बैक्टीरिया, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, माइक्रोबियल डेब्रिस आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से पोर्टल वेन के रास्ते आपके लीवर में आ गए हैं, उन सब को कफर सेल्स के अंदर मौजूद मैक्रोफेज सेल मार देता है, खत्म कर देता है, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। तो यहाँ पर कफर सेल्स को आप इस तरह से बोल सकते हैं कि यह आपके बॉडी के लिए एक तरह के इम्यून सेल्स होते हैं। और यहाँ पर जो कफर सेल्स होते हैं यह बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स, जैसे कि लिपिड्स हो गया, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो गया, स्मॉल पार्टिकल्स, इनके मेटाबॉलिज्म में भी काम आते हैं। और साथ ही साथ ये कफर सेल्स आपके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स बूढ़े हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उनको हटा के आपके हीमोग्लोबिन को रिसाइकल भी करता है। या तो आपने समझ लिया कफर सेल्स के बारे में, अब बात करते हैं एंडोथेलियल सेल के बारे में। ये जो एंडोथेलियल सेल होता है ये एक सिंगल सेल की लेयर होती है जो आपके ब्लड वेसल के जो अंदरूनी सतह है उस पर पाई जाती है। इसका काम होता है आपके ब्लड में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उसको एक्सचेंज कराना, आदान प्रदान कराना, किसके ब्लड वेसल के बाहर जो भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनके साथ। यहाँ पर आप डायग्राम में एंडोथेलियल सेल्स की लोकेशन देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लाइट ग्रे से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। यह तो आपने समझ लिया एंडोथेलियल सेल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं स्पेस ऑफ डिश। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं स्पेस लगा है, तो यहाँ पर जो ये स्पेस ऑफ डिश है यह वह हिस्सा होता है जो आपके साइनोसॉइड और आपके हेपेटोसाइट सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आप इसको इमेज में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप स्पेस ऑफ डिश देख पा रहे हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं हेपेटिक स्टेलिएट सेल। ये जो स्टेलिएट सेल होते हैं इनकी खासियत यह होती है कि एक तरह की यह स्पेशलाइज सेल होते हैं जो आपके बॉडी में फैट स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर यह फैट सलूबल जो विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, यह उन सब को भी स्टोर करके रख सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर स्टेलिएट सेल्स हैं उनकी भी मैं लोकेशन देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पर आपने लॉब्यूल्स के अंदर जो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो सारे देखे और समझे। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ें अच्छी तरह नहीं समझ में आई तो मेक श्योर इस वीडियो को बार बार देखें, रिवाइंड करके देखें और अपने नोट्स बनाइए, तब आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर समराइज कर देता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं लीवर हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, जो भी वेस्ट है, जो टॉक्सिन है उसको ब्लड से हटाता है, ठीक है। तो यहां पर जो लीवर में ब्लड सप्लाई आती है हेपेटिक आर्टरी से, पोर्टल वीन से, वह इस लीवर के अंदर आई। लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स क्या है? लीवर की वर्किंग यूनिट। इसके अंदर बहुत सारे यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को हटाते हैं, हार्मफुल चीजें हटाते हैं, उस ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और इस ब्लड को भेज देते हैं कहाँ पे? सेंट्रल वीन में। सेंट्रल वीन क्या होती है? हर लॉब्यूल के सेंटर में एक वीन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल वीन। जो भी ब्लड आपके लॉब्यूल ने प्योरीफाई किया है, अच्छा बनाया है, न्यूट्रिएंट को मिक्स किया है, ऑक्सीजन को मिक्स किया है, वेस्ट हटाए हैं, टॉक्सिन हटाए हैं, जब आपका ब्लड पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वो इस सेंट्रल वीन में आता है। इस सेंट्रल वीन से यह ब्लड लीवर के बाहर जाता है आपके हेपेटिक वीन में, ठीक है। हेपेटिक वीन इस ब्लड को लेके जाती है आपके हार्ट के वेना केवा में और फिर आपके हार्ट से जो एओटा निकलती है वह इस ब्लड को पूरे शरीर में फैला देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सो आई होप आप लीवर की वर्किंग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बात करेंगे हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम के लार्ज और लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी इस लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बॉवेल भी बोलते हैं। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को ट्रेवल करने के बाद सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन में ही आता है। अगर हम इस लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा और डिटेल में समझें तो यहाँ पर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके मेनली चार हिस्से होते हैं। पहला होता है सेकम, दूसरा होता है कॉलन, तीसरा होता है रेक्टम और चौथा होता है एनल कैनल। और यहाँ पर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलन वाला हिस्सा होता है इसके भी चार पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला होता है असेंडिंग कॉलन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कॉलन, तीसरा होता है डिसेंडिंग कॉलन और चौथा होता है सिग्मॉइड कॉलन, जैसे कि आप यहाँ पर एनिमेशन में देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ क्या है, ये कितनी लंबी होती है, तो मैं आपको बता दूं एक हेल्दी एडल्ट में अप्रॉक्स या 1.5 मीटर तक लंबी हो सकती है। नियर अबाउट बात करें फिट में तो 5 फिट तक हो सकती है। अगर हम जो हमारा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी लंबाई के हिसाब से हम इस लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई को कंपेयर करें तो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के 1/5 हिस्सा कवर करता है ये लार्ज इंटेस्टाइन। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का मेन रोल क्या होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वह यह होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड आइटम गया है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको पचा चुका है और काइम एक मिक्सचर बना दिया है, जब यह मिक्सचर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो इस मिक्सचर के अंदर जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं, जो भी सॉल्ट्स हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसको बॉडी यूज कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, काम में ले सकती है, उन सब को हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और बाकी जो बचा इनडाइजेस्टेबल पार्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको नीचे भेज देती है, हमारे एनल कैनल के थ्रू भेज देती है ताकि वो बाहर निकल जाए बॉडी से, एक्सक्रीट के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में, पू के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो आप जानते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें लगभग 90% तक न्यूट्रिएंट पूरे एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं जो भी आपने खाया है पिया है, लेकिन जो बच गए हैं न्यूट्रिएंट वो यहाँ पर आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में और यहाँ से फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मेनली यहाँ पर सॉलिडिफाई किया जाता है जो काइम है, सॉलिडिफाई मतलब कठोर बनाया जाता है, जो आपका एक्सक्रीट है, जो आपका जो पू होता है, जो स्टूल होता है, उसको यहाँ सॉलिडिफाई किया जाता है, जो भी वाटर है उससे निकाला जाता है और आपके स्टूल में क्या बचता है, आपके फूड का जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट है जैसे कि डाइट्री फाइबर हो गया, वो इस स्टूल में प्रेजेंट रहता है। और साथ ही साथ यहाँ इस लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है मूकस, जो इस सॉलिड पार्टिकल को मिक्स हो जाता है और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट बनाता है ताकि ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए स्टूल के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जो भी फूड आइटम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, जो काइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है कौन सा, सिकम में आया, फिर उसके बाद ये भेज देता है कॉलन में। कॉलन में क्या होते हैं, चार पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन। तो यहाँ पर जब कॉलन में आपका ये काइम आया तो ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहता है और कॉलन क्या करता है, इसको आगे भेजता है, फॉरवर्ड भेजता है और स्लोली आराम से भेजता है। और जब ये आगे पुश करता है तो जो भी वाटर है इस काइम के अंदर वो सारा अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और ये सॉलिड मटेरियल बन के आपके कॉलन में घूमता है और चला जाता है रेक्टम में और फिर उसके बाद एनल कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में एक और खास चीज जान लीजिए कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया भी होते हैं। यहाँ पर पूरी कॉलोनी बसी हुई होती है बैक्टीरिया की और इस कॉलोनी को गट फ्लोरा बोलते हैं या फिर इसको गट माइक्रोबायोम भी बोलते हैं, गट माइक्रोबायोटा भी बोलते हैं। यहाँ पर 700 से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की 700 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और अगर इनकी गिनती की बात करें जाए तो 50 से 100 ट्रिलियन तक ये बैक्टीरिया माइक्रोबियल सेल मौजूद होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B7 जिसको बायोटिन बोलते हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे जो फूड हमने खाया है उसके अंदर जो भी डाइट्री फाइबर है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग तरह के केमिकल भी प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि एसिटेट हो गया, ब्यूटरेट हो गया,
प्रोपायोनेट हो गया, जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, जैसे कि एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर सकती है, लिपिड के सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज कर सकती है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कोलन होता है उसके अंदर अंदरूनी हिस्से की जो लाइनिंग होती है उसके नरिशमेंट के लिए यूज कर सकती है। सो यहाँ पर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं, यह हमारे डाइजेशन प्रोसेस का बेहद खास हिस्सा होते हैं। और यहाँ पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर कोई भी प्रोटीन अवेलेबल नहीं होता, कोई प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता। तीसरा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं होता है। जो भी केमिकल डाइजेशन होना होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहले ही हो चुका होता है। यहाँ पर केवल जो आपका काइम आता है उसके अंदर जो भी सॉल्ट प्रेजेंट है, जो भी वाटर प्रेजेंट है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो गए, जो भी ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो बच गए हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और फिर चौथा चीज़, यहाँ पर जो कोलन होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके पीएच की बात की जाए तो इसका जो पीएच है 5.5 टू 7 के बीच में रहता है, मतलब स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल। अगर इसका पीएच ज़्यादा नीचे जाएगा तो बहुत दिक्कतें होती हैं आपको, बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो मुझे कमेंट पे यस लिख के जरूर बताइए। मैं यहां पर आपके पेशेंस, आपके सीखने के जुनून को सैल्यूट करना चाहूंगा। यहां पर अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लोगों की मदद करते हुए अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे जो स्पेशल कोर्सेज हैं, एडवांस पर्सन ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स और स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन कोर्स, इनका हिस्सा बनिए। इन कोर्सेज के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो सीखता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। कोर्सेज की कीमत है 10,000 रुपीज, लेकिन अगर आप आज एनरोल करते हैं तो आपको मैं एक स्पेशल प्रोमो कोड देता हूं, चैंपियन। अगर आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस कोर्सेज में 64% का मेगा डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत गवाइए, ग्रैब द डील एंड बी द चैंपियन। और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि एनरोल करें या ना करें, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा सोचता है पर जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है।